हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेजी ब्लॉग्स। गाइस, अपने चैनल पर इस टाइम रुद्रप्रयाग सीरीज चल रही है। आज हम आए कोटेश्वर धाम, कोटेश्वर महादेव मंदिर, और चलते हैं मंदिर, देखते हैं अंदर कैसा है क्या है, करते हैं पता, मिलते हैं आपसे ब्लॉग में आगे। दोस्तों, जब भी आप रुद्रप्रयाग आएँ तो स्वामी कार्तिक रोड है, कोटेश्वर महादेव मंदिर है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया लोकेशन है। एक रोड ऊपर जा रहा है सीधा स्वामी कार्तिक, नीचे जा रहा है सीधा कोटेश्वर मंदिर पर आ रहा है, तो आपको उसी रोड पर आना है, वो सीधा आपको कोटेश्वर मंदिर ले आएगा। बहुत अद्भुत और बहुत ब्लॉकिंग मंदिर है, लाखों करोड़ों शिवलिंगा बताए जाते हैं। चलते हैं, देखते हैं कैसा मंदिर है, क्या है यहाँ का, मंदिर का पता करेंगे। दोस्तों, फाइनली कोटेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं, और ये कोटेश्वर महादेव मंदिर प्रवेश द्वार है। चलते हैं अंदर कोटेश्वर मंदिर द्वार। दोस्तों, मंदिर के गेट पर ही प्रसाद की दुकान है, यहाँ से हमने अभी कैन ली है जल भरने के लिए, और चलते हैं देखते हैं यहाँ कोटेश्वर मंदिर नीचे जाके। यह है दोस्तों कोटेश्वर मंदिर मार्ग, रोड से लगभग आधी किलोमीटर नीचे। हाँ यार, है यार दोस्तों सामने, तो ये कोटेश्वर मंदिर है, ये बिल्कुल गंगा किनारे जाके है, नीचे जाके है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नदी किनारे, गंगा किनारे जाके है कोटेश्वर मंदिर। दोस्तों, यहाँ उतारते हैं अपने जूते। दोस्तों, ये कोटेश्वर मंदिर, और हम लोग मंदिर परिषद में एंट्री कर चुके हैं, देख सकते हैं एकदम शांतिपूर्ण माहौल, अद्भुत। ये शायद जबकि है, ये शायद केदारनाथ भगवान की टोली लेके जाते होंगे, उसे दर्शाया गया है। दोस्तों, यहाँ करोड़ों शिवलिंग बताई जाती हैं, है। अद्भुत नजारा, अद्भुत मंदिर। दोस्तों, आप देख सकते हो कितना अल्टीमेट व्यू है, एकदम अद्भुत जगह। अल्टीमेट व्यू है यहाँ पर, सामने आप देख सकते हो ये। कुछ चेतावनी दे रखी है नदी में नहाते टाइम, रैगिंग की चैन पकड़ के, रेलिंग की चैन पकड़ के ही नहाएं, रेलिंग के बाहर जाना सख्त मना है, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, नदी में नहाते टाइम साबुन का और केमिकल का प्रयोग ना करें, गहरे पानी में ना जाएं,
नहाते समय चैन का प्रयोग जरूर करें। ये कुछ यहाँ पर चेतावनी लिखी हुई है और आप देख सकते हो ये अद्भुत मंदिर रुद्रप्रयाग से केवल 3 किलोमीटर दूर है। अगर आप लोग रुद्रप्रयाग आते हो तो ये बहुत बेस्ट प्लेस है आपके लिए। चलते हैं मंदिर में, देखते हैं कैसा मंदिर है। दोस्तों इधर मंदिर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत और आध्यात्मिक जगह है। अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो रुद्रप्रयाग से जब आप कार्तिक स्वामी रोड पर चलेंगे तो 3 किलोमीटर आकर ये मंदिर है। लगभग 1.5 किलोमीटर का पैदल का ट्रैक है। बहुत ज़बरदस्त मंदिर, बहुत ज़बरदस्त व्यू। साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोग रुद्रप्रयाग आते हैं तो आप जो मैंने आपको जगह दिखाई इसमें ज़रूर जाएं। बहुत ही अद्भुत और अलौकिक, बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है। इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।